Hello students, so today we are going to start our next topic, that is commutativity. ठीक है, तो आप इससे पहले भी commutative law पढ़ चुके होंगे और यदि नहीं पढ़ा है तो आप फिर से एक बार देख लेते हैं. commutative law में क्या होता था, हम क्या करते थे, a plus b होता था. ठीक है, suppose कोई a की value है और b की value है, तो यदि हम इसको interchange कर दें, b plus a करें, तो आपकी value क्या होती थी, same आती थी. suppose हमने क्या किया है, 2 plus 3 किया है, तो answer क्या होगा आपका, 5. यदि मैं 3 plus 2 करूं, क्या answer change हो जाएगा, नहीं, answer क्या रहेगा, वही रहेगा 5. ये होता था आपका क्या, commutative law. ठीक है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले whole numbers के लिए check करेंगे, फिर हम यहाँ पे different operations हैं आपके, arithmetic operation, addition, subtraction एंड मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन. ठीक है ना, तो इनके लिए हम चेक करते हैं कि आपका कॉम्यूटेटिव लॉ इसके लिए अंडर क्लोज्ड है या नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा एडिशन के लिए. एडिशन के लिए हमने नंबर लिया है 0 प्लस 7 इज इक्वल टू 7 प्लस 0. क्या दोनों कंडीशन में आंसर 7 होगा, तो यस दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर क्या होगा, 7 रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा. ठीक है ना, तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा, फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, a plus b is equal to b plus a. ठीक है, तो आपका रिमार्क क्या जाएगा यहाँ पे, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव. ठीक है, तो एडिशन में क्या होता है, होल नंबर्स के लिए जो एडिशन होता है वो क्या होता है, आपका कॉम्यूटेटिव लॉ को वेरीफाई करता है. ठीक है ना, अब इसके लिए हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, सपोज हमने ले लिया, सपोज ये क्या होगा सब्ट्रैक्शन में, a माइनस b इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, b माइनस a. ठीक है, यही होना चाहिए. तो ये आपने जैसे लिया, मैंने लिया 3 माइनस 2, तो आंसर क्या होगा आपका 1, और मैंने यहाँ लिया है 2 माइनस 3, तो क्या यहाँ भी आंसर आपका 1 आएगा, नहीं. क्यों, क्योंकि आपने देखो आंसर क्या है आपका, जो बड़ी डिजिट है वो क्या है आपकी, नेगेटिव की है. ठीक है ना, तो मैं क्या करूँगी, 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करूँगी, तो आंसर क्या होगा आपका, 1 तो आएगा, पर 3 जो है आपका बड़ा होने के कारण जो इसके आगे जो साइन है आपको वही लेंगे, तो क्या लेंगे अपन, वी टेक नेगेटिव. ठीक है ना, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, माइनस 1, तो क्या हो जाएगा, 1 डज नॉट इक्वल टू माइनस 1, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ठीक है ना, फिर ऐसे ही हम किसके लिए देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन के लिए देखेंगे. तो मल्टीप्लीकेशन में क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए. तो हमने यहाँ पे क्या लिया, सपोज हमने लिया है 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो आंसर क्या होगा आपका, 6. दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, 6. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन इज कॉम्यूटेटिव. फिर हम किसके लिए देखेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका डिवीजन. तो डिवीजन के लिए हम जब देखेंगे, तो डिवीजन में क्या होता है आपका, यहाँ पे होगा आपका, सपोज मैंने लिया है यहाँ से 2 डिवाइडेड बाय, या यहाँ पे ले ली रही 4 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा. ठीक है, 2 से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 वन 2 2 2 4. फिर यहाँ पे मैंने लिया 2 डिवाइडेड बाय 4. ठीक है ना, तो क्या आएगा, 2 अपॉन 4, तो क्या हो जाएगा, 2 वन 2 एंड 2 2 4, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 अपॉन 2. 1 अपॉन 2 डज नॉट इक्वल टू 2. ठीक है ना, 1 अपॉन 2 की वैल्यू बिल्कुल डिफरेंट होती है. 1 अपॉन 2 की यदि हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो क्या आती है, 0.5. तो क्या 0.5 आपका 2 के इक्वल है, तो क्या होगा, जो कि नहीं है. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव. ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा होगा कैसे हमने निकाला. सेम ऐसे हम किसके लिए देखेंगे, इंटीजर के लिए देखेंगे. ठीक है ना, तो इंटीजर के लिए आप लोग इटसेल्फ सॉल्व करके देखेंगे क्या आपके ये ऑपरेशन जो आप यहाँ पे लिखे हैं वो आप वेरीफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है ना, तो ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है. ठीक है, ये आप खुद से आप क्या करेंगे, अपने घर पे सॉल्व करके देखेंगे. फिर ऐसे ही अपना क्या मिल जाएगा आपका, रैशनल नंबर के लिए. रैशनल नंबर के लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे, एडिशन देखेंगे. ठीक है ना, एडिशन में क्या होगा आपका, एडिशन में हम कोई भी 2 नंबर्स ले लेते हैं. ठीक है, जैसे कि हमने इससे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें लिया था रैशनल नंबर के लिए, एडिशन के लिए, सब्ट्रैक्शन के लिए. वैसे हम यहाँ पे देखते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए. सबसे पहले मैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए देखते हैं. तो क्या होगा, आपने यहाँ पे ले लिया है 2 रेशनल नंबर, कोई भी ले लीजिए. जैसे कि मैंने लिया 2 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3. ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, और ऊपर के नंबर क्या हो जाएंगे, एज इट इज हो जाएंगे. तो 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका, 3 अपॉन 3. ठीक है, ये क्या है आपका, p अपन q की फॉर्म में है. तो क्या रैशनल नंबर में आपने जो दोनों का एडिशन किया है तो क्या वो 3 अपॉन 3 है. ठीक है, फिर हमें कॉम्यूटेटिव के लिए देखना है. तो कॉम्यूटेटिव के लिए हम कैसे देखेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 1 अपॉन 3
इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1/3 प्लस 2/3, ठीक है ना। तो हम देखेंगे ये आंसर क्या हो जाएगा, 3, 2+1 इज इक्वल टू, ये भी क्या आ जाएगा आपका एलसीएम आ जाएगा 3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1+2, तो यहाँ 2+1 क्या हो जाएगा आपका 3/3, और यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 3/3, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। तो किसके लिए, ये रैशनल नंबर के लिए। तो रैशनल नंबर के लिए जो एडिशन होगा वो क्या हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से हम सब्ट्रैक्शन के लिए देखेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे 1/2 ले लिया, फिर हमने क्या ले लिया, -1/4, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होने जाना चाहिए, 1/4 -1/2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका, 4, ठीक है ना। अब 4 जब हम लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे क्या है आपका 2, और यहाँ पे क्या है 4, तो हम क्या करते थे एलसीएम से सॉल्व करने के लिए, 2 का 4 को 4 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है। और जो आंसर आएगा उससे हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। फिर यहाँ पे क्या करते थे, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा 1 × 1। ये होती थी एलसीएम मेथड, ठीक है, जो मैंने आपके लिए होमवर्क में दी हुई थी कल। आई होप सो आप लोग से बनी होगी, और नहीं बनी है तो आज फिर से देख लीजिए, इस टाइप से हम एलसीएम लेके करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर, एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 आएगा, और जो आपका 1 है तो 1 से हम क्या कर देंगे, 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 2, ठीक है, और 2 को हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स जो भी आपका न्यूमरेटर होता है और इसके बाद जो इसका डिवाइड करने के बाद आंसर आता है उससे हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 2 × 1 = 2 -1 × 1 = 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा आपका, 4। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 × 1 = 1 -1 × 2 = 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 4। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, 2 − 1 किया तो क्या आ जाएगा, 1/4, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आपका क्या है, बड़ा नंबर है, ठीक है। तो आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा, तो क्या हो जाएगा, 1/-1/4, जो कि क्या नहीं है आपका, इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, ठीक है ना। इस टाइप से ऐसी आपको मल्टीप्लीकेशन के लिए चेक करना है, और फिर आपको क्या करना है, डिविजन के लिए चेक करना है, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है ना। जस्ट आपको रफ कॉपी में ये करके देखने हैं, बाकी और कुछ नहीं, ठीक है। फेयर में आपको नहीं करना ये वर्क, सिर्फ आपको रफ कॉपी में एक बार करके देखने हैं, ये आपका मल्टीप्लीकेशन के लिए कॉम्यूटेटिव है कि नहीं, और डिवीजन के लिए कॉम्यूटेटिव है या नहीं, ठीक है ना। फिर हम ऐसे ही देखेंगे एसोसिएटिव लॉ होता है, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है आपका, 3 नंबर्स होते हैं, ठीक है ना। 3 नंबर्स लेते हैं यहाँ पे, a × b, 1 ब्रैकेट में लेते हैं, सॉरी एडिशन के लिए देखेंगे, तो a + b 1 ब्रैकेट, और फिर क्या करते हैं, c आता है आपका बाहर की तरफ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या हो जाता है, a आपका आएगा बाहर प्लस b प्लस c, ये हो जाएगा, ये कहता है एसोसिएटिव लॉ, ठीक है ना। पहले हम क्या करते हैं, इन दो को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं, फिर हम करते हैं किसको, आउटर ब्रैकेट में रखते हैं इसको, किसको, सी को। फिर यहाँ पे हमने आउटर ब्रैकेट में रखा है, आउटर साइड रखा है आपने ए को, और ब्रैकेट की साइड किसको रखा है, बी प्लस सी को। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a + b, तो ये क्या हो जाएगा, 2+3 लिया हमने कोई नंबर, और यहाँ पे क्या ले लिया, 4, यहाँ भी हमने लिया है 2+3+4, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2+3 क्या हो जाएगा आपका, 5+4 इज इक्वल टू 2+3+4 क्या हो जाएगा आपका, 7। तो ये क्या हो गया आपका, 5+4 कितना हो जाएगा, 9, और 2+7 क्या हो जाएगा, 9। तो हम क्या कहेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव, ओके। इसी टाइप से आप सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के लिए आप इटसेल्फ ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ठीक है। और यदि नहीं बनता है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ऐसे सेम रहेगा इसमें प्रोसेस एंटीजर के लिए, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका लिए रेशनल नंबर के लिए, रेशनल नंबर के लिए भी देख लीजिए कैसे चेक करते हैं, ठीक है। एसोसिएटिविटी कैसे चेक करेंगे हम, कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए, सपोज हमने यहाँ पे ले लिया 1/2 + 1/4, ठीक है। इनसाइड लिया है ब्रैकेट में, आउटसाइड क्या ले लेंगे आप, 1/ कुछ भी ले लेते हैं, सपोज हमने ले लिया 1/8, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या लिया, 1/2 को आउटर ब्रैकेट लिया है, और 1/4 + 1/8 इनसाइड लिया, ठीक है, ब्रैकेट
तो हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और यहाँ से चेक करेंगे तो हो जाएगा ये, फिर हम क्या करेंगे 4 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर क्या आएगा 2, फिर हो जाएगा 1 इंटू 2 प्लस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 1 और 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 ये आपका ब्रैकेट में, ठीक है, इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एलसीएम क्या हो जाएगा आपका 8, अब 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2, और 1 को हम डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस यहाँ 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा आपका 1, ठीक है, और 1 आपका ऊपर है तो 1 को 1 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ठीक है, अब हम क्या करेंगे इनको डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 4 प्लस 1 अपॉन 8, ठीक है ना, प्लस सॉरी इक्वल 1 अपॉन 2 प्लस 8, 2 1 जा 2 प्लस 1 1 जा 1, ठीक है, तो यहां से 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8, और यहां पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन 8, ठीक है, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम आपका क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 और 8 का एलसीएम लीजिए, और एलसीएम लेते नहीं बनता है तो मैं बता दे रही हूँ, इस टाइप से अपन एलसीएम लेते थे, ठीक है ना, वैसे प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और फिर भी यदि आपको नहीं बनता तो एक बार देख लीजिए, 2 2 जा 4 और 2 4 जा 8, फिर हम फिर से करेंगे 2 से, अगेन 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, अगेन 2 से करेंगे 1 जा एंड 1 जा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये आपका एल स्टेप से एलसीएम क्या आ गया 8, ठीक है, अब हमने 8 को डिवाइड किया है 4 को 4 से, तो ये आंसर क्या आएगा 2, और 3 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे, यहाँ से हो जाएगा आपको 8 से 8 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 1 इंटू 1, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम अगेन क्या आएगा 8, और अब जब हम 2 को 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 4, तो हो जाएगा 1 इंटू 4, ठीक है, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 1, ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन आएगा 8 इज इक्वल टू 4 1 जा 4 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन में क्या आ जाएगा 8, तो 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका 7 अपॉन 8 प्लस इज इक्वल टू 4 प्लस 3 हो जाएगा आपका 7 अपॉन 8, ठीक है ना, तो क्या हो गया आपका आर एच एस किसके इक्वल आ गया आपका एल एच एस की, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे एडिशन इज एसोसिएटिव, ठीक है, फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, ये आ जाएगा आपका रिमार्क में, ठीक है, इसी टाइप से आप क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए और डिवीजन के लिए चेक करेंगे, ठीक है, चलिए अब यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे टॉपिक हैं इनको एक बार देख लेते हैं, द रूल ऑफ जीरो, तो यहाँ पे रूल ऑफ जीरो बताया उन्होंने, जैसे कि हम जीरो को किसी भी नंबर में ऐड करते हैं, ठीक है, सपोज मैंने इसको किया है 2 + 0, ठीक है ना, या 0 + 2, तो आंसर क्या आएगा आपका 2 ही आने वाला है, क्योंकि जीरो में हम कोई भी नंबर को ऐड करें आंसर कभी भी चेंज नहीं होगा, आपका जो ओरिजिनल नंबर से आप जिसमें भी आप ऐड कर रहे हो आंसर आपका वही रहेगा, ठीक है, वैसे हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे लिया है -5 + 0, तो आंसर क्या होने वाला है आपका -5 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, तो जो जीरो है उसे हम बोलते हैं जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है, जीरो क्या होती है एक आइडेंटिटी होती है किसके लिए एडिशन ऑफ रेशनल नंबर के लिए, तो हम इसको बोलते हैं इट इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर एंड होल नंबर एज वेल, ठीक है, तो जीरो जो होता है जीरो को हम बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोलते हैं क्योंकि जीरो को हम किसी भी नंबर में ऐड करें वो नंबर कभी भी आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है ना, फिर यहां से देखते हैं द रूल ऑफ वन, अब वन का रूल क्या होता है वन को आप किसी भी नंबर में क्या कीजिए मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, सपोज हमने वन को 1000 में भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा आपका 1000 ही आएगा, वन को जैसे कि मैंने मल्टीप्लाई किया है -2 के साथ या -3 के साथ तो आंसर क्या होगा -3 ही आएगा, ठीक है ना, तो वन का ऐसा होता है वन में मल्टीप्लीकेशन में वन के मल्टीप्लीकेशन से कभी भी नंबर क्या नहीं होता आपका चेंज नहीं होता, तो वैसे ही हम क्या कह सकते हैं वी से दैट वन इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रेशनल नंबर, ठीक है, वन क्या होता है आपका मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर एंड फॉर इंटीजर एज वेल फॉर होल नंबर, ठीक है ना, तो यहाँ पे आपको वन होती है वन को हम बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी और जो जीरो है जीरो को हम बोलते हैं क्या एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है, ये आपको
थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। ये एमसीक्यू या फ्लक्स में क्वेश्चन बन सकता है इस टाइप से, ठीक है। अब यहाँ पे होता है नेगेटिव ऑफ अ नंबर। नेगेटिव ऑफ अ नंबर कैसे होता है, देखिए अब यहाँ पे आप सपोज हमने कोई भी नंबर ले लिया, ठीक है। सपोज मैंने यहाँ पे नंबर लिया है 2, ठीक है। अब हमारे लिए इसका यदि हम -2 करते हैं, ठीक है ना, -2 के साथ हमने क्या किया है, दूसरा नंबर हमने क्या लिया है -2, ठीक है। 2 और -2, तो 2 को यदि हम ऐड करते हैं -2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस आपका क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो आंसर क्या मिल गया आपको, 0। तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं जो आपके लिए -2 है, -2 2 के लिए एज अ एडिटिव इनवर्स वर्क करेगा। क्या वर्क करेगा, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है ऐसा कोई नंबर जिसको ऐड करने पर हमारा आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 1/2, ठीक है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -1/2। क्यों, क्योंकि हम 1/2 को यदि हम प्लस करते हैं -1/2 के साथ, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, 0, क्योंकि 1/2 - 1/2 आंसर क्या हो जाएगा आपका, 0। तो हम क्या कहेंगे, -1/2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, ठीक है ना। तो 1 - 1/2 क्या हो जाएगा आपका, 1/2 के लिए एडिटिव इनवर्स की तरह वर्क करेगा, ठीक है ना। अब इसी टाइप से नेक्स्ट जो आता है वो होता है आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उसमें हम क्या देखते हैं, रेसिप्रोकल। क्या देखते हैं अपन, रेसिप्रोकल। सपोज यहाँ पे हमने देख लिया 1/2 है, ठीक है, तो इसके लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 2/1। 2/1 से हम जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 2 1, ठीक है, तो ये कट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 1/1, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक कोई ऐसा नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई करने पर आंसर आपका क्या आ जाए, 1 आ जाए, तो उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, अगर 0 आंसर लाना है तो हम क्या बोलेंगे इसको, एडिटिव इनवर्स, और हमें आंसर चाहिए 1, तो इसे बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। सपोज कोई भी नंबर देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे लिया हमने 17/9, ठीक है, 17/9 के लिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अपन को फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसके लिए जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो क्या हो जाएगा, 9/17। कुछ भी नहीं करते, बस जस्ट जो नंबर आपके लिए गिवन है उसका हम क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। रेसिप्रोकल दैट मीन्स जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है, और न्यूमरेटर आपका किस क्या बन जाता है, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, 9/17 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 17/9। क्यों, क्योंकि इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 9 9 1 9, ठीक है, और 17 1 17 17 1 17, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1, ठीक है ना। इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 1/1, ठीक है। एक्सरसाइज 1/1 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज फाइंड, ठीक है। जो प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी इससे पहले, कौन सी बताई थी आपके लिए, कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव, तो आपको वही प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज करनी है और आपको फाइंड करना है, ठीक है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखते हैं हम कैसे करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, सॉल्यूशन देखिए इसका, क्या करेंगे हम, -2/3 × 3/5। अब हमें ऐसा टर्म देखना है जिसमें एक और 3/5 मिल जाए, ठीक है। तो हमने देखा ये वाला हम पूरा टर्म्स उठा के यहाँ यदि हम ले लेते हैं, ठीक है ना, तो हम इसमें से कुछ कॉमन ले पाएंगे। तो हमने क्या किया है, -3/5 × 1/6 को हमने क्या किया है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, ठीक है, और जो आपका +5/2 था उसको हमने क्या कर दिया, पीछे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा 3/5 यहाँ भी है और 3/5 यहाँ भी है, ठीक है। पहले तो ये जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है उसको हम लिख देते हैं, जो ये है वो जाएगी y कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कॉम्यूटेटिविटी से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 3/5 है और यहाँ भी 3/5, तो हम क्या करते हैं, 3/5 को आपने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया है, ठीक है, ले लेते हैं ना। यदि आपने डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी यदि आप लोगों ने पढ़ी हो तो इसमें क्या होता है, हम कॉमन ले लेते हैं, तो आप अंदर ब्रैकेट में आपकी जो टर्म्स आएंगी वो क्या होगा, -2/3,
ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है आपका वन अपॉन सिक्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको वन अपॉन सिक्स, ठीक है। और यदि नहीं समझ में आता है तो इसको बार बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है, और फिर आपका क्या बचेगा फाइव अपॉन टू। पहले एक बार डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी और थोड़ा सा देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी क्या होती है। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, पहले हम क्या करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं कैसी होती है, ठीक है। देखिए डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में क्या होता है आपका, सपोज मैंने लिया है ए प्लस बी, ठीक है, और आपका आउटर ब्रैकेट में क्या है आपका सी, या फिर हम नंबर से ही देख लेते हैं। सपोज हमने नंबर में लिया है टू और यहाँ पे आपका थ्री प्लस फोर, ठीक है ना, और ये आपका किसमें मल्टीप्लाई में, तो हम क्या करते हैं टू को सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं किससे, थ्री के साथ, एंड प्लस फिर आएगा आपका प्लस, और टू को अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे फोर से। ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। अगर यहाँ देखें तो क्या हो जाएगा सी इंटू ए प्लस सी इंटू बी, ये होती है आपकी क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं सी जो होता है दोनों में ही क्या करते हैं कॉमन होता है, सी क्या है आपका दोनों में ही कॉमन है, तो हमने इसको क्या ले लिया आउटर ब्रैकेट, और आपका जो इनर ब्रैकेट जाता है वो क्या आता है ए, और बीच में जो आपका साइन होता है यहाँ पे क्या है आपका प्लस, तो यहाँ पे आएगा प्लस एंड बी, ठीक है ना। इसे बोलते हैं हम क्या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। तो वही हमने आप देखिए यूज की है, ठीक है, क्या किया है हमने यहाँ पे देखिए थ्री अपॉन फाइव इसमें था और यहाँ भी क्या था आपका थ्री अपॉन फाइव, तो थ्री अपॉन फाइव को हमने क्या लिया कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के जी आउटसाइड जाएगा, और फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस टू अपॉन थ्री, जो भी आपकी रेस्ट ऑफ डिजिट है वो आपकी इनर ब्रैकेट जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस टू अपॉन थ्री माइनस वन अपॉन सिक्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख दीजिएगा वाई डिस्ट्रीब्यूशन, वाई डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या सिक्स, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका सिक्स, और यहाँ से हम क्या करेंगे अगेन हम क्या करते हैं सिक्स का थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका थ्री टू जा सिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस टू पहले से है और टू आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है, माइनस वन आपका पहले से है, अब सिक्स का सिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा वन, और ये हो जाएगा आपका क्या वन, ठीक है, और प्लस चलेगा आपका क्या फाइव अपॉन टू। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, माइनस टू इंटू माइनस टू, तो यह हो जाएगा टू टू जो फोर, और यह आ जाएगा माइनस का फोर, यहाँ पे माइनस वन का वन से करेंगे तो वन वन जो वन, और यह आ जाएगा आपका माइनस का वन, अपॉन में हो जाएगा आपका सिक्स प्लस फाइव अपॉन टू एज इट इज। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका थ्री अपॉन फाइव, ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, ठीक है, आपने साइन कन्वेक्शन पहले पढ़े होंगे, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता था आपका प्लस, और साइन ऑलवेज आपका जो आता है वो क्या होता है आपका माइनस का, ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो फोर प्लस वन क्या हो जाएगा आपका फाइव, और आंसर जो रहेगा वो आपका किस में आएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, अपॉन में आ जाएगा आपका सिक्स प्लस फाइव अपॉन टू, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आपका किस में चलता है, ये मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, तो हम ब्रैकेट को जब अपन ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई माइनस फाइव अपॉन सिक्स, और ये प्लस फाइव अपॉन टू अलग से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थ्री वन जो थ्री और थ्री टू जो सिक्स, ठीक है, न्यूमरेटर जो होता है आपका डिनोमिनेटर से कट हो जाता है, क्योंकि ये किस में होता है आपका डिवाइड में, ठीक है, तो कट हो सकता है, और यहाँ देखिए फाइव वन जो फाइव और फाइव वन जो फाइव, तो यहाँ पे क्या बचा आपका वन का वन से करेंगे तो माइनस वन, ठीक है, और वन टू जो टू, ठीक है ना, टू आ गया प्लस फाइव अपॉन टू। अगेन हम यहाँ क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका टू आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे टू यदि दोनों के ही डिनोमिनेटर क्या होते हैं सेम होते हैं, तो जो ऊपर वाले न्यूमरेटर हैं या ऊपर वाली डिजिट होती है वो हम एज इट इज उसको प्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस वन प्लस फाइव, ठीक है, तो अब हो जाएगा आपका माइनस, यहाँ से आ जाएगा आपका टू, और माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस, तो फाइव में से वन को माइनस करेंगे तो फोर, अब बताइए प्लस का आएगा माइनस का क्यों आएगा यहाँ पे प्लस का, क्योंकि आपकी फाइव जो है बिगर डिजिट है, और बिगर डिजिट का साइन क्या है आपका प्लस, तो यहाँ भी आ जाएगा आपका प्लस, प्लस हम लिखते नहीं, तो ये हो जाएगा प्लस फोर अपॉन टू। अब यहाँ पे हो जाएगा टू वन जो टू एंड टू टू जो फोर, तो आंसर इज टू, ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। इस टाइप से इसको सॉल्व करना है, ठीक है, एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा, और जहां भी यदि आपको डाउट लगता है, ठीक है, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, एक बार अच्छे से इस क्वेश्चन को दो तीन बार आप करके देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये आएगा प्रैक्टिस में।
ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, तो एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अब जो है आपका सेकंड क्वेश्चन है, इसी टाइप से क्वेश्चन है, एक बार देख लेते हैं जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन और देख लेते हैं अपन। ये आपका 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 -1/6 इंटू 3/2। चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 1/14 इंटू 2/5 सॉल्यूशन में देखते हैं। पहले हम क्वेश्चन राइट कर लेंगे। 2/5 मल्टीप्लाई विथ -3/7 -1/6 इंटू 3/2 प्लस 1/14 इंटू 2/5। अब हमने देखा यहाँ पे ऐसी कौन सी डिजिट है जो हमें फिर से अगेन वही डिजिट रिपीट हो रही है। तो हमने देखा 2/5 यहाँ पर है और यहाँ पे 2/5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे इसको आगे ले आएंगे, ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/5 इंटू -3/7, ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका प्लस 1/14 इंटू 2/5। आप 2/5 को अकेले नहीं लेके आएंगे, 2/5 के साथ मल्टीप्लाई में आपका क्या है 1/14, तो उसे भी हम क्या करेंगे साथ में लेकर आएंगे, ठीक है ना। और ये पीछे चला जाएगा आपका माइनस का 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। बस साइन आपको बहुत ध्यान से लगाने हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो 1/6 है वो आगे क्या कौन सा साइन इसका माइनस का, तो ये माइनस के साथ आपका पीछे जाएगा, ठीक है ना। बस आप साइन का विशेष ध्यान दीजिए, क्या यहाँ पे क्या है आपका प्लस है, तो ये प्लस के साथ आगे आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये कौन सा लॉ लग गया, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे वाई कॉम्यूटिविटी, ठीक है, वाई कॉम्यूटिविटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2/5 यहाँ भी है, 2/5 यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन ले लेंगे, जैसे कि हमने लिया था 2/5, ठीक है। तो आपके इनर ब्रैकेट में क्या जाएगा आपका रेस्ट ऑफ डिजिट आपकी जो है -3/7 +1/14, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा 1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे वाई डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 2/5, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7/14 का जो एलसीएम आ जाएगा आपका क्या हो जाएगा आपका 14, ठीक है। अब हम क्या करेंगे 14 को डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 14 को हम जब डिवाइड करेंगे 7 से तो आंसर क्या आएगा आपका 7 × 2 = 14, तो यहाँ पे आपका -3 एज इट इज और मल्टीप्लाई में क्या जाएगा आपका 2 प्लस 14 का 14 से करेंगे तो आंसर आएगा 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 × 1, ठीक है, -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2/5, 3×2 का क्या आ जाएगा आपका 6 माइनस का वो भी प्लस 1/1, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा आपका 40 -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपका 2/5 यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माइनस का 6 है प्लस का 1, तो माइनस प्लस क्या होता है आपका माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा -5/40, ठीक है, -1/6 इंटू 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है आपका मल्टीप्लाई होता है, तो हो जाएगा आपका 2/5 इंटू -5/40, ठीक है, और ये चलेगा आपका 1/6 इंटू 3/2। तो देखिए 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा और 2 × 1 = 2 एंड 2 × 7 = 40, ठीक है। तो ऊपर क्या बचा आपका ओनली 1 और यहाँ पे क्या बचा आपका माइनस का 1, ठीक है, तो 1 × 1 = 1 और वो भी किसका माइनस का, -1/ क्या हो जाएगा आपका 7, ठीक है, यहाँ पे 7 × 7 -1/6 इंटू 3/2। अब यहाँ पे देखिए कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं हो रहा, तो हम ये तो यहीं पे सॉल्व कर देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = क्या हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 1/7 -1 × 1 = 1 और यहाँ पे 2 × 2 = क्या हो जाएगा आपका 4। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 7 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 28, ठीक है, और जब 28 आएगा तो फिर हम क्या करेंगे 28 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका 4 × 4 = 7 = 28, तो -1 पहले से है और मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से, ठीक है। अब क्या आ जाएगा आपका -1 और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 7, तो 1 आपका एज इट इज इंटू 7, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका यहीं पे सॉल्व करके दे रही हूँ, पर आपको नेक्स्ट पेज पर ही सॉल्व करना है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस का 4 अपॉन, सॉरी माइनस और 7 वन का 7 और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका 28। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और साइन ऑलवेज किसका आएगा, माइनस का, तो माइनस लगा दिया और 7 प्लस 4 क्या हो जाएगा आपका 11, तो क्या हो जाएगा माइनस 11 अपॉन 28, इट्स योर आंसर। यदि ये कट नहीं होता तो एज इट इज हम इसको लिख देते हैं और यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, इस टाइप से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छे से देख लीजिएगा, यदि आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए बाकी इसकी। दैट्स ऑल फॉर अ डे, थैंक यू स्टूडेंट।